अब फाइनली मॉकअप पे एक चीज अगर आप और नोट करें तो हर बटन पे जब आप हॉवर कर रहे हैं तो आपके माउस का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है. आपका माउस एक हैंड आइकन शो कर रहा है. तो वो हैंड आइकन शो करने के लिए हम CSS की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कर्सर. तो हम कार्ड बटन के अंदर जाएंगे और हम लिखेंगे कर्सर पॉइंटर. इसको सेव करके हम वेब पेज रिफ्रेश करेंगे. अब जब मैं ऐड टू कार्ड बटन पे हॉवर करूँगी तो आप मेरे माउस को गौर से देखें तो इसका माउस का आइकन हैंड आइकन में तब्दील हो जाएगा. अगर मैं यही काम किसी और बटन पे करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कर्सर पॉइंटर की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐड टू कार्ड बटन की आईडी पे अप्लाई की है. अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंटर्स ट्राई करना चाहूँ तो मे बी मैं ग्रैबिंग अगर इसकी वैल्यू रखूँ तो आप यहाँ पे देखें एक डिफरेंट तरह का हैंड आ रहा है. अगर मैं ग्रैबिंग की जगह इसको कोई और वैल्यू दे दूँ जैसे मूव, तो यहाँ पे देखें अब इसका कर्सर चेंज हो गया, लेकिन मुझे इसका कर्सर चाहिए पॉइंटर, तो मैं इसको पॉइंटर ही रहने दूंगी. यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ नोट करें तो कर्सर पॉइंटर मैंने हॉवर सूडो क्लास पे नहीं बल्कि सिंपल आईडी को दिया है. और ये वाली चीज़ हम हॉवर पे भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है, क्योंकि जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अप्लाई ही हॉवर पे होती है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी का इफेक्ट नज़र ही तब आता है जब आप माउस अपने बटन के ऊपर लेके जाते हैं. तो इसको आप चाहें तो हॉवर पे रखें, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली इस आईडी के ऊपर रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाले स्टाइल सिर्फ ऐड टू कार्ड बटन पे अप्लाई हो रहे हैं, मुझे ये सारे बटन्स पे यही वाला कर्सर चाहिए. तो या तो मैं इस वाली प्रॉपर्टी को कॉपी करके हर एक बटन के स्टाइल के ऊपर पेस्ट करूं, तो अगर मैं इसको कॉपी करके प्ले बटन पे भी पेस्ट करूं, लॉगिन बटन पे भी पेस्ट करूं, लेकिन यहाँ पे ये वाला काम करने से रिपीटेशन हो जाएगी. तो रिपीटेशन करने की बजाय मैं ये वाली प्रॉपर्टी मैं सिंपली बटन को दे दूंगी, क्योंकि मुझे ये वाला स्टाइल किसी एक बटन पे नहीं बल्कि सारे बटन्स पे अप्लाई करने हैं. तो मैं यहाँ से भी इसे हटा दूंगी और सिंपली बटन टैग को ये वाली प्रॉपर्टी असाइन कर दूंगी. अब मैं अपना वेब पेज रिफ्रेश करूंगी तो मैं किसी भी बटन पे हॉवर करूंगी तो मेरा कर्सर हैंड आइकन बन जाएगा. तो आई होप आपको ये वाली वीडियो इतनी मुश्किल नहीं लगी होगी. इसमें हमने जो भी CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं वो बहुत कॉमन हैं और आप ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से ये वाली प्रॉपर्टीज़ लर्न कर सकते हैं. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा से यही वाला टास्क करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें. जो प्रॉपर्टीज़ आपने इन वीडियोज़ में लर्न की हैं वो प्रॉपर्टीज़ अब खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें. और अगर आप कहीं पर फंसें तो W3 schools पे जाके आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ रीड करें.